राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। मणिपुर में बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाओं में पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार शाम को विष्णुपुर जिले के मोईरंग तुरेल में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पुलिस कमांडो रणवीर के सिर में गोली लग गई। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा शुक्रवार सुबह को ही विष्णुपुर और चूराचांदपुर जिलों की सीमा पर बसे गांवों में कुकी और मेते गुट के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, इनमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आई भीड़ ने घाटी के कुछ गांवों में आग लगाने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि दूसरी जगहों पर दोनों समुदाय के लोगों के बीच फायरिंग चलती रही। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार को उन लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस की अनुमति देने का आदेश दिया है जिनके पास लीज लाइनें और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है। मणिपुर हिंसा में जुलाई महीने में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को ही 4 मौतों से पहले गुरुवार को एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उन्हें इंफॉल वेस्ट जिले में एक स्कूल के बाहर गोली मार दी गई थी। इसके बाद राज्य में इंटरनेट बैन 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। 4 जुलाई को एक थोउबल जिले में भीड़ ने भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप पर हमला कर हथियार चुराने की कोशिश की थी। इस दौरान भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान 27 साल के एक शख्स की मौत हो गई। 2 जुलाई को विष्णुपुर चूराचांदपुर सीमा पर दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए थे। इसमें 3 लोगों की गोली लगने से जान चली गई, वहीं एक शख्स का सिर काट दिया गया था। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।